तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट क्वेरी की, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी में नॉर्मली मैंने बताया था कि किसी टेबल में डेटा कैसे एंट्री करते हैं, आई थिंक आपने सीखा भी होगा। जी अब जैसे कि अगर मैं यहाँ क्वेरी पे जाता हूँ और लगाता हूँ फॉर्मूलास यहाँ पे सिलेक्ट के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कीवर्ड, ठीक है, रन एक्सिक्यूट किया, यहाँ डेटा आ गया, डेटा आ गया। जी अगर मैं D2 करूं तो D2 का भी डेटा आएगा, D2 का भी डेटा आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि मुझे D2 का जो डेटा है उसको D1 के अंदर डालना है, मतलब कि इसी की पूरी डेटा D1 के अंदर डालना, दोनों को क्लब कर देना है, मिक्स कर, ये कर देना है। तो उसके लिए हमारे पास यूनियन क्यूरी था, लेकिन मुझे यूनियन यूनियन क्यूरी क्यूरी में तो क्यूरी जस्ट दिखा रहा है ना सर, लेकिन मुझे पूरा का पूरा डेटा ही डाल देना है, मुझे टेबल को अपडेट कर देना है। क्या कर देना है? टेबल को अपडेट। टेबल अपडेट तो यहां पे हमने बोला इंसर्ट सर इसको इंसर्ट इनटू, कौन सा है किसमें इंसर्ट करना है, तो D1 में इंसर्ट इनटू D1, D1। ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए इसको छोड़ देता हूं, ठीक है ना, और यहां पे बोलता हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D2, समझे। जी सर सुना। अभी सिंपल लाइन को हम करते हैं, ये देखिए 119 रो इफेक्टेड, मैं 19 रो इफेक्टेड हुआ। अब मैं अगर यहां पे कोड रन करता हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, तो D1 में आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा डेटा आपको दिखेगा, यहां देखिए 38 दिख गया, क्योंकि तो दोनों में 19 19 डेटा था, जी अब 38 हो गया ना सर, ओके समझे कि नहीं। जी अब मैं यहां पे सिलेक्ट तो किया, लेकिन कुछ और करना चाहता हूं, मुझे वो डेटा चाहिए जो जनवरी में ग्रेटर देन पिछले यूज कर लिए, शोर आ रहा है सर, मुझे वो डेटा चाहिए जो जनवरी के अंदर में ग्रेटर देन 50 था, वो डेटा ऐड कर, ठीक है। ओके तो यहां पे लगेगी हमारी वेयर कमांड, कि वेयर जैन इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। जी अब यहां पे स्किप करता हूं, अब देखिए 8 रो इफेक्टेड हो गया। एट रो ओके अब मैं इसको सिलेक्ट किया और रन करके देखता हूँ, ना दिख रहा है आपको, अब एक ही जो लाइन सिलेक्ट किया तो एक ही लाइन रन हुआ। तो यहां पे देखिए तो D1 था ना, D2 हो गया। अब यहाँ पे अगर देता हूँ तो सिलेक्ट D1 स्टार ना स्टार फ्रॉम D1, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया और रन किया, तो यहाँ देखिए 38 से ज़्यादा 46 हो गया। एक सेकेंड सर, आप ये सेलेक्ट स्टार D1 कर रहे हैं तो सिर्फ D1 का ही तो डेटा क्योंकि आएगा। मैंने सिलेक्ट सो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट किया ना, यहाँ पे सिलेक्ट करके रन कर रहा हूँ ना सर, सिलेक्ट करके एक्सिक्यूट करेंगे ना, सिर्फ वही कोड रन होगा। मैं वही कह रहा हूँ, जो ऊपर आपने स्टेटमेंट लिखी है वो तो नहीं होगी ऊपर रन। नहीं नहीं होगी, बगैर सिलेक्ट किए करेंगे तो रन होगा, सिलेक्ट कर देंगे तो रन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो ये वेयर आपने लिखा है जैन ग्रेटर देन 50, और फिर नीचे आपने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, तो ये D1 का ही डेटा दिखाएगा ना, ये अपडेट करके दिखाएगा। सर अब ये पहले तो ये अपडेट करेगा, अच्छा ये अपडेट कर चुका है, और नेक्स्ट कर टाइम मुझे चुका रन, है। अब मुझे न्यू यहाँ पे न्यू फिर ओके जाके ओके रन करूँ, सच्चा यहीं पे टाइप करके सेलेक्ट करके रन कर दिया चेक करने के लिए, ओके ओके ठीक, समझ गया था। मतलब समझ गए वो अपडेट करके दिखाएगा यहाँ पे जी। हाँ नीचे। ठीक ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा डेटा डालना हो ना सर। अब मुझे पूरा का पूरा डेटा नहीं डालना है, मुझे डालना है कुछ सिलेक्टेड चीज, सिलेक्टेड कॉलम। जैसे मुझे अब मैं चाहता हूं कि मैं एक काम करता हूं, एक और ये बनाता हूं, टेबल बनाता हूं, जैन अप्रैल और अगस्त 3 मंथ का डेटा चाहिए होगा और नेम भी है ना, नेम भी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ इस पर राइट क्लिक करता हूं, इस सॉरी टेबल पे, न्यू टेबल, और यहाँ पे टेबल नेम, तो सबसे पहले आईडी देख होना ही चाहिए, फिर यहाँ पे नेम, आईडी छोड़ देता हूँ, इसको डाल देता हूँ, छोड़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए जैन, वेब्स में है ऑलरेडी जैन, यहाँ पे इंट होना चाहिए, फैब नहीं, अप्रैल, अप्रैल इंट, और यहाँ पे अगस्त, ठीक है, जैन अप्रैल और अगस्त, इसको हम सेव करते हैं। टेबलों के नाम वन जो है यहाँ पे, और इंसर्ट क्यूरी T2, IQ कर देता हूँ, इंसर्ट क्यूरी, ठीक है। जी अब मैं कोड चाहता हूं कि यहां पर से नेम का, जैन का, अप्रैल का और अगस्त का डेटा ऐड हो जाए हमारे कौन सा कॉलम में, IQ वाले टेबल के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो यहां लिखते हैं इंसर्ट इंसर्ट इनटू इनटू नेम IQ। अब यहां पे ब्रैकेट में हमें देना है नेम कॉमा जैन कॉमा अप्रैल कॉमा अगस्त, ठीक है, और नीचे देना है सिलेक्ट नेम कॉमा जैन कॉमा अप्रैल कॉमा अगस्त फ्रॉम डी वन, ठीक है। जी रन करो इसको, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया आपने नीचे वाले में, ऐसे नहीं जरूरी नहीं है, सिलेक्ट ही ले करना, लेगा। हाँ सिलेक्ट वाला ले लेगा, ओके वैल्यू जाएगा तो लगाना पड़ेगा, बट हम सिलेक्ट क्यों दे रहे हैं ना, लग जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि डेटा ऐड हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देखने के लिए क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो आई क्यू IQ से देखना है मुझे, ठीक है, आ गया, जैन अप्रैल करेक्ट, ठीक है ना। ओके। कोई दिक्कत इसमें, एक एक शीट का डेटा अदर शीट में लेने के लिए मतलब इंसर्ट इनटू का करेंगे। जी हाँ, एक शीट का डेटा अदर शीट में, जैसे कि आप क्या होता है कि आप क्यों, अब इससे पहले जो हमने सिलेक्ट क्यूरी पढ़ा पढ़ा ना सर, तो सिलेक्ट क्यूरी में क्या था कि आपको डेटा एक अलग जगह पे दिखा दे रहा है, आपकी जो मास्टर डेटा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, पर कई बार हमें अपने मास्टर डेटा के साथ छेड़छाड़ करनी होती है, अपडेट करना होता है, नया डेटा डालना होता है, पुश करना होता है,
या डिलीट करना होता है, समझ गए, तो उसके लिए क्यूरी रन करने का। यहाँ जो मैं क्यूरी रन कर रहा हूँ अपने डेटा में नीचे ऐड करने के लिए, कि जो डेटा ऑलरेडी है उसके नीचे जाओ और ये डेटा ऐड कर दो, तो नॉर्मली हम टाइप कर सकते हैं या इंसर्ट क्यूरी जो हम वैल्यू वाला चला सकते हैं, लेकिन उसका बेसिकली यूज होता है किसी और जगह पे, किसी और जैसे जैसे वेब फॉर्म हो गया या आपका वीवी एक्सेल का फॉर्म, यूजर फॉर्म हो गया, एक्सेस का फॉर्म हो गया, वहां से डेटा एक एक करके, सर हम लोग डेटा एंट्री नहीं करते हैं उस तरह से, इसके अंदर डल मारा तो उसके अंदर हम क्यों डलवाते हैं, हम एक्सेस से या उससे क्यों करते हैं एसक्यूएल में, क्योंकि डेटा एंट्री हम नहीं कर रहे हैं, डेटा एंट्री कौन कर रहा है, कोई और बंदा कर रहा है, और उस बंदे को मैं डेटाबेस का पूरा एक्सेस नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं उसको बोलूंगा कि जा तुम एक्सेल में एंट्री कर दो, तो क्या करेगा, वो यहाँ पे राइट क्लिक करेगा और इसको करेगा एडिट और फिर यहाँ पे एंट्री करेगा, तो एंट्री के साथ साथ वो बाकी चीज को डिलीट भी तो कर सकता है, बिल्कुल, अब ये पूरा एक्सेस देना, फिर उसकी यूजर आईडी पासवर्ड बनवाना, क्या तो ये चीज हम नहीं करना चाहते, तो हम अपना यूजर एंड पासवर्ड उसके साथ शेयर भी नहीं करना चाहते, तो वीवी कोड में हम अपना जो यूजर नेम पासवर्ड जो चीज है डाल के उसको दे देते हैं, वहां से वो डेटा एंट्री करते जाता है, ओके करते जाता है, नया नया फॉर्म में जैसे होता है ना आपकी नॉर्मल जो फॉर्म होती है उस फॉर्म की तरह एंट्री होते जाता है, क्लाइंट आते जाता है जी। और सारा का सारा डेटा कहाँ आता जाएगा, एसक्यूएल में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक नीचे आता जाएगा, वीवी के साथ कर लीजिए या वेब फॉर्म के साथ कर लीजिए या फिर आप एक्सेस के साथ कर लीजिए, एक्सेस के साथ भी हो जाएगा, कर लीजिए पीएचपी के साथ कर लीजिए, ठीक है ना जी सर, कोई फ्रंट एंड आप ले लीजिए, ठीक है सर। ओके, जैसे कि गूगल फॉर्म यहाँ पे देखिए, अगर हम गूगल फॉर्म की बात करें, मैं अभी वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे किसी को अगर डेमो क्लास लेनी होती है तो क्या करता है, मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा ये डेमो क्लास रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया iptindia.com पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ज्वाइन डेमो क्लास क्लिक किया, क्लिक करते यहाँ पे आएगा ये फॉर्म फिल, अब ये फॉर्म में जो भी एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेगा, फिर सबमिट के ऊपर सारी कोडिंग हो रखी है, ठीक है ना जी, जैसे गूगल सीट है, लेकिन सिंगल बता रहा हूँ कि सबमिट पे गूगल हो रखी है, इसकी जो सीट होगी उस सीट में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक एक्सेल शीट बन जाएगी, मैंने सर बनाया हुआ है गूगल फॉर्म, गूगल सीट तो एक्सेल शीट बनाता है ना, मैं बात करूँ एसक्यूएल, जी ठीक है, क्लियर है कोई डाउट नहीं सर, तो इंसर्ट क्वेरी के अंदर सारा की जा सकते हैं जो आप इसका यूज करें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना जो आईक्यू है, अब आईक्यू यहाँ नहीं दिख रहा है ना, मुझे दोबारा रिफ्रेश करना है, डिस्कनेक्ट कीजिए और वापस कनेक्ट कीजिए, आगा क्यों आईक्यू में एडिट करता हूँ मैं यहाँ पे, क्या करता हूँ एडिट, अब नीचे कुछ नाम देता हूँ, जैसे कि मेरा भतीजे का नाम है नमन और इसके हमने इसकी नंबर्स के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं करता हूँ अमर नाम, यहाँ पे करता हूँ रंजीत, तीन चार नाम डाल दिए मैंने जो कि हमारा इसमें D1 टेबल में नहीं है, राइट, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो है यहाँ आईक्यू के अंदर जो डेटा है उस डेटा को मुझे T1 के अंदर इंसर्ट करना, लेकिन मैं पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट नहीं कराना चाहता,
मैं इंसर्ट करना चाहता हूं वो डेटा जो ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी में नहीं है, जो ऑलरेडी है उसको नहीं करना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, हम इंसर्ट किसमें करवाना है तो D1, यहाँ पे हम D1 का नाम, और DN में किसका इसका करवाना है तो हमें करवाना है नेम जैन अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल और अगस्त, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि सिलेक्ट सेम जो ऊपर लिखा हुआ है सेम ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे फ्रॉम हमने बोला आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे आई के दे दिया, अब यहाँ पे देते हैं हम यहाँ पे देते हैं वेयर कंडीशन नॉट एग्जिस्ट, EXISTS नॉट एग्जिस्ट, और ये अगेन ब्रैकेट में यहाँ दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आई थ्री, वेयर IQ डॉट नेम इक्वल टू D1 डॉट और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये IQ डॉट नेम क्यों लिया आपने? टेबल अलग टेबल है ना, IQ टेबल है ना। ओके अच्छा, उस टेबल में से नेम लेना है डीएन से। Where not exist from not exist select star from IQ, सही यूनिक आईडी नहीं है इस कारण से दिक्कत कर रहा है। Thank you.
where not object slash star from iq where iq dot name क्या होता है मल्टीपाई आइडेंटिफायर. ओके डुप्लीकेट है इसलिए ये यूनिक करना पड़ेगा. कैसे डुप्लीकेट है सर? क्या बोले सर? ये मल्टीपल डुप्लीकेट ये यूनिक को वर्क करेगा मल्टीपल पर यूज करेगा. ठीक है इसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा. ठीक है सर मतलब समझा नहीं मैं एरर क्यों दे रहा है. एरर दे रहा है क्योंकि हमने नेम टू नेम किया है. नेम तो कई बार रिपीटेड है ना सिस्टम में. ओके कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए. मल्टीपाई आइडेंटिफायर यूनिक लिस्ट होनी चाहिए. जी हाँ ठीक है. तो मैं इसको कल की क्लास में बताता हूँ सर आपको. इसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा. ठीक है.